हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 10 बजे से। आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि सुमन भी बहुत जल्दी आ गई थी आज, और हम लोग आज वॉक पे भी निकले थे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद अभी हम लोग फ्री हैं। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे? ब्रेकफास्ट में चाय के साथ ब्रेड खाए थे। हाँ, भूल जाती हूँ मैं। चाय और ब्रेड खाने के बाद अभी नहा के मैंने आज पूजा कर लिया है, क्योंकि सौरभ का आज कुछ काम है तो वो अभी वही काम कर रहा है बैठ के। उसको नहा के पूजा करने में लेट होगा तो मैंने ये सब कुछ कर लिया है। और बस अभी जाऊंगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट दो दिन से ना हम लोग बहुत लेट खा रहे थे। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, तो आज इतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं। और उठ भी गए थे सुबह, इसलिए मैंने सोचा कि उठ ही गए हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच बना ही लेते हैं। तो आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उस दिन जो हम लोग चिकन लाए थे ना, वो चिकन बहुत ज़्यादा था, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग आधा चिकन, आधा नहीं, आधा से भी कम, हम लोग उस दिन चिकन फ्राई बनाए थे। आप लोगों ने तो देख ही लिया, मेरे सिस्टर के बर्थडे जिस दिन मैंने बनाया था उस दिन। और बाकी का आधा चिकन मैंने कल बनाया था, जो मैंने हैदराबादी चिकन मसाला बनाई थी, और हाफ चिकन है जो कि मैं आज बना रही हूँ, फिर चिकन खत्म हो जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ मुर्ग पुलाव, ठीक है? ये रेसिपी मेरे रिया की रसोई चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से रेसिपी देख लेना, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। मैरिनेशन में क्या क्या है ये सब आप उस लिंक से ही आप जान पाओगे। और राइस भी यहाँ पे मैंने भिगो दिया है, बासमती राइस आज नहीं था, मतलब कम था, दोनों के लिए सफिशियंट नहीं था, तो इसलिए मैं नॉर्मल राइस से बना रही हूँ। और यहाँ पे आलू प्याज सब्जी वगैरह सब कुछ निकाल के रखी हूँ, ये इसका सब्जी बनाऊंगी रात के लिए, क्योंकि सौरभ को ऑफिस जाना है। और आटा भी इसमें लगा हुआ है, बाद में रोटी बनाऊंगी। पहले ना मैं क्या करूँगी, एक साइड में मैं पुलाव होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद रोटी और सब्जी बना लूंगी। तो यही है आज दोपहर का मेनू। और ऑब्वियसली खाना बनने के बाद तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक बार फाइनल की कैसी बनी है। रात के लिए मैं आज बना रही हूँ रोटी के लिए ये, इसको मैं उस दिन यही बोल रही थी, इसको ये थोड़ा चूहा जैसा दिखता है ना, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसको बोलते हैं बंगाली में काकरोल, इसका हिंदी या इंग्लिश नेम मुझे अभी तक पता नहीं चला, ठीक है? तो इसको बोलते हैं काकरोल। तो आज मैं बनाऊंगी काकरोल, गाजर और आलू की सब्जी, और पुलाव के साथ कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पुलाव में तो ऑलरेडी चिकन विकन सब कुछ होगा ही, ग्रेवी तो नहीं होगा वो, लेकिन रायते के साथ वो हम खा सकते हैं। तो रायता बाद में सौरभ बनाएगा, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो उसका डिपार्टमेंट है, कभी कभी मैं बना लेती हूँ, वो अलग बात है। आज वेदर बहुत अच्छी है, पता है? आज बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और बारिश तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लाउड होकर रखा है, अंधेरा अंधेरा सा छा गया है। मैं किचन का लाइट ऑन कर लेती हूँ, तो अंधेरा अंधेरा भी है। मैंने नहा के कपड़ा वपड़ा सब कुछ तो सूखने के लिए दे दिया है। इस गाजर की एक खासियत है, ये वाला गाजर ना पील करना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी पील किया हुआ ही आता है, इसको बस अच्छे से साफ करने से ये साफ हो जाता है। तो मैं ना पहले कढ़ाई तो आज मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुर्ग पुलाव मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, तो इसलिए कढ़ाई में मैं ऑलरेडी सब्जी यहाँ पे चढ़ा दूंगी। जब तक सब्जी इस साइड में बनेगा मैं तब तक यहाँ पे पुलाव बना लूंगी, और ऑब्वियसली सब्जी पहले बन जाएगा, तो सब्जी बनने के बाद मैं रोटी बना लूंगी। हाँ, तो ऐसे में मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ। जैसा जो बना रही हूँ ना, वो एक्चुअली मैं क्या बना रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मुझे एक्चुअली इतना वेजिटेबल्स खाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वेजिटेबल्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी। हाँ, इतना सारा हेल्दी वेजिटेबल्स जो कि मेरे
एकदम जानी दुश्मन है, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट्स ये मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ी सी टेस्टी बनाने के लिए उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, मोटा मोटा प्याज काट के भी डाल दिया, और दही डाल दिया खूब सारा, घर की जमी हुई दही है, ठीक है, कंजूसी तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली। बहुत सारा दही डाल दिया उसमें, तो थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, और ब्लैक पेपर भी डाल दिया है तो थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, फिर रोटी के साथ आराम से खा पाऊंगी। वैसे मैंने तो मेरे लिए आज रात को पुलाव बना के रख दिया है ऑलरेडी, दोपहर को थोड़ी सी अगर मन होगा तो टेस्ट करूंगी, नहीं तो टेस्ट नहीं करूंगी, कल खाऊंगी। आज एक्चुअली पुलाव के साथ अगर ये वेजिटेबल खाऊंगी ना तो पुलाव का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, मूड पुलाव और उसके साथ ये सब गाजर वाजर, तो इसीलिए दही भी मिला दिया है उसमें। पता नहीं सब्जी कैसे कैसा होगा टेस्ट, लेकिन अच्छा ही होगा ये हो। तो अभी बन रहा है, सब्जी बन गया है, और एक साइड में अभी ये पुलाव भी बन रहा है, उसमें और एक सीटी आएगा, दो सीटी हो गया है, एक सीटी और आएगा फिर मैं बंद कर दूंगी। और रोटी को अभी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि सौरभ बोल रहे कि पहले खा लेते उसके बाद रोटी बनाना, तो अभी तो एक ही बज रहा है, एक नहीं सॉरी अभी 12:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग 1:30 बजे तक खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर मेरे पास और भी 2 घंटा टाइम होगा, तो आधा घंटे तो लगेगा, 3 रोटी बनाना है सिर्फ सौरभ के लिए। बस रोटी रोटी बना के फिर मैं चली जाऊंगी ट्यूशन। किचन में खड़े होके ना मेरा बाल सूख गया, इतना भीगा बाल लेके मैं गई थी किचन में, पूरा सूख गया बाल, और क्लाउडी वेदर जो था वो भी चला गया है, क्लाउड बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा धूप है मैं बता नहीं सकती थी, इससे मुझे स्वेटिंग आने लगी है। आप लोगों में से जो कोई भी मेरे सिस्टर को बर्थडे पे विश किया है, सबको दिल से थैंक यू, ठीक है, वो खुद भी बहुत खुश है आप सबके विश से, वो भी शायद जितना हो पाया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी किया है, और स्पेशली मुझे बोल दिया है कि दीदी तू अपने सारी व्यूअर्स को बोल देना कि मेरे तरफ से थैंक यू, तो मैंने बोला कि ठीक है, इसलिए मैं आप सब लोग को मेरे बहन के तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग हर। आप लोगों से बात करते करते कुकर में 3 की जगह 4 सीटी आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला, तो आज ना पुलाव थोड़ी सी ओवरबॉइल्ड हो गई है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं हुआ है, मतलब खा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये रहा पुलाव, इतना ज़्यादा भी ओवरबॉइल नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी मतलब चावल के दाने जो है ना वो टूट गया है बस, और कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची सही है कि नहीं देखने के लिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है ना, और ये ना लीवर है, लीवर मुझे बहुत पसंद है, सौरभ को इतना नहीं पसंद लेकिन मुझे लीवर बहुत पसंद है, और इसके साथ यहाँ पे है रायता, रायता सौरभ ने बनाया है, तो अभी खाना खा लेते हैं। पुलाव इतनी अच्छी बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा ओवरवेल्ड हो गया था जरूर, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया था। अभी 3:30 बज गया है, अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, और सौरभ का खाना अभी तक मैंने पैक नहीं किया, आज आके पैक करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहेगा आज, तो आके मैं खाना एकदम पैक करूँगी, अभी मैं जाती हूँ, ऑलरेडी मैं 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं जुम्बा करके भी आ गई, आप देख सकते हो मेरा हालत इतना ज्यादा पसीना पूरा, टी शर्ट मेरा गीला हो गया है, अभी भी मैंने ड्रेस चेंज भी नहीं की, सिर्फ शूज मैंने बदल लिया है, क्योंकि शूज तो हम लोग बाहर ही रखते हैं ना इसलिए। तो अभी मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद मैं रेडी होंगी एक पार्टी में जाने के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया पार्टी होने वाली है, क्योंकि आज है किसी के फिर से बर्थडे, हमारे यहाँ पे ना बर्थडे मनाया जाता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी के बर्थडे तो आते रहते हैं, तो आज एक सडन इन्विटेशन मिल गई है,
जो कि हमारे नेबर है। आज तो मैं आप लोगों के साथ हमारे सारे नेबर्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा पाऊंगी, क्योंकि वो लोग तो हमेशा एक साथ होते नहीं है, और सबको एक सबका एक साथ दर्शन मिलना बहुत ज़्यादा मतलब वो है, समझ ही पा रहे हो, क्योंकि सब लोग वर्किंग है ना, हस्बैंड वाइफ सारे वर्किंग है, तो सबको एक साथ मिल ही नहीं सकते कभी भी। तो आज जाके हमारे एक नेबर है रितु दी, उनकी बर्थडे है, तो शाम के टाइम पे उन्होंने बोला कि पार्टी के लिए, तो सौरभ तो ऑब्वियसली ऑफिस चला गया है ना, तो उसको वो तो जा नहीं पाएगा, तो मैंने सौरभ से पूछ लिया कि सब लोग जा रहे हैं मैं क्या करूँ, तो बोले कि हाँ तुम चले जाओ, तुम क्यों नहीं जाओगे, मेरा तो ऑफिस है, तुम तो घर पर ही होगे ना, तुम चले जाओ। तो अभी मैं जुम्बा करके आई हूँ, अभी एक बार नहा लूँगी, नहाने के बाद फिर मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या पहनूंगी, क्या करना है, मुझे पहले पता होता ना तो मैं थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा ली थी, पता नहीं कितने दिन से मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाया, इतने सारे नए नए नेल पॉलिश खरीदा हुआ है कवर्ड में, एक भी मैंने नहीं लगाया, अगर सुबह के टाइम पर मुझे पता चलता ना तो मैं एक नेल पॉलिश लगा लेती। तो एनीवेज मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी 8 बज गया है और मेरे पास आधे घंटे का ही टाइम है, सब लोग पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, तो मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं रेडी हो गई फाइनली, बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ, पता है कि इतना खास भी नहीं लग रही हूँ मैं, अगर पहले से पता होता ना तो कुछ प्लान कर सकती थी कि क्या पहनूँ ना पहनूँ, जो मुझे सामने मिला मैंने वही पहन लिया। ये एक नॉर्मल ब्राशो की एक टॉप है और उसके साथ एक लॉन्ग स्कर्ट, बस यही, और थोड़ी सी मैंने इयर रिंग चेंज कर ली है, क्योंकि काफ़ी दिन से एयरिंग चेंज नहीं किया था, कहीं बाहर जाने का भी नहीं हो रहा था ना, तो अब चलते हैं। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे पता है शायद सारे नेबर्स चले गए हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। हम लोग सेम फ्लोर में ही रहते हैं, उनके घर और हमारे घर बिल्कुल सामना सामनी है, ईशान भैया के घर और हमारे घर के बीच जो भी थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, उनके घर और हमारे घर के बीच इतना भी डिस्टेंस नहीं है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बिल्कुल बगल में है। हेलो, फोन कर रही थी वो। अच्छा, हाय हाय, हैप्पी बर्थडे गाइस, ये है रितु दी, इनका ही आज बर्थडे है, ये हमारे नेबर में, और बाकी के नेबर से भी मैं भी मिलाती हूँ, और आप मेरे ड्रेस अभी एक बार ठीक से देख लो, उस टाइम पे मैं दिखा नहीं पाई घर पे। ये देखिए बर्थडे गर्ल सेल्फी ले रही है। अच्छा, मैं इंक्लूड हूँ, और यहाँ पे केक की भरमार है। अरे मुझे टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं केक बना लेती, बताए आप बनाते ना 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 देखो दिव्या का बर्थडे था उस टाइम, फिर तो ये कंबाइन मान लो ये सबका, ये दिव्या का भी है। Oh, oh, oh.
अभी मैं मेरे सारी नेबर्स को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पहले बर्थडे गर्ल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है रितु दी, से हाय। और यहाँ पे है दिव्या। ये है दिव्या, हमारे बिल्कुल मतलब सबसे करीब वाली नेबर। और ये है इनका हस्बैंड मोहित भैया। और किशन भैया को तो आप सब लोग जानते ही हो। ये फरा को भी आप सब लोग जानते हो। और ये है वानिका दी। ये हम सब लोग एक ही फ्लोर, सेम फ्लोर में रहते हैं, 16th फ्लोर। एंड वी आर नॉट नेबर्स, वी आर फैमिली। सो यहाँ पे भी केक की तैयारी हो रही है। कितने सारे केक हैं? हाँ, बहुत सारे केक हैं। और मैं आप सब लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि रितु दी का भी ऑलरेडी दो दो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ठीक है? और चैनल का नाम बता दो। और रितु दी का दो यूट्यूब चैनल है, एक है रितुज रिचुअल्स और एक है फन ट्रेवल विद RMS, ठीक है? तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही बढ़िया चैनल है। रितु दी बहुत हार्ड वर्क करती है, तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है? तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर से मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
आ गई मैं घर वापस और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। पार्टी इतना लेट नाइट तक चला ना, सौरभ मिस कर गया सच में। उसको ऐसे गेट टुगेदर पार्टी वगैरह बहुत पसंद है, वो मिस करेगा बहुत। कल जब ये ब्लॉग देखेगा ना, उस टाइम पे वो खुद रियलाइज करेगा कि अरे मैंने क्या मिस कर दिया। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, बातें बातें करते करते कैसे टाइम चला गया। देखिए अभी टाइम है 12:50 यानी 12:50। अभी हम लोग जस्ट घर आए हैं, अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया, अभी मैं चेंज करूँगी। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है? तो बाय बाय, मिलते हैं कल, गुड नाइट।